देखो, हमने जो 1.1 है ना, उसके सारे टॉपिक लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। अब एक्सरसाइज 1.1 जो है, इसको स्टार्ट करते हैं। मेजॉरिटी जो सवाल जो है, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब टॉपिक करवाए थे ना, तभी उनके साथ एग्जाम्पल देके समझा दिए थे कि किस तरीके से आपने करना होगा। बहरहाल, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 1 में आयोटा के डिफरेंट पावर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पावर ले रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको उनको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, मैं आप लोगों को एक पार्ट करवा देता हूँ, और कंसीडर कर लो कि पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। कोई नई बात नहीं है, सब पार्ट्स के अंदर सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अच्छा, अभी तक 1.1 में जो मेन मेन है ना, आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं, वो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन, मतलब ऐड किस तरह करना है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक यही बातें हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड पता होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड आपको मेजोरिटी सवाल मिलेंगे। अच्छा, अब आपको सिंप्लीफाई क्या करना है कि आयोटा की पावर 11 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा की पावर 14, इसको लिखा हुआ है। एवेल्युएट करें या सिंप्लीफाई करो। एवेल्युएट अच्छा वर्ड है। अब वैल्यूज की हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा सॉल्यूशन होगा इसका कि आयोटा की पावर 11 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा की पावर 14। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको आप सिंपल इस तरह लिख दो, आयोटा की पावर 11, और माइनस की अगर आप देखो होल पावर इवन है, तो जब भी इवन पावर होती है तो माइनस हट जाता है, तो ये बच जाएगा आयोटा की पावर 14। बेसिस सेम है, पावर्स को आप लोग ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 11 प्लस 14। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं 25। अब आयोटा की पावर 25 निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। अच्छा, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके सिर्फ एक आयोटा की टर्म कर लो, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो, या यहीं पे आप इसको ब्रेक कर सकते हो कि आयोटा 11 को आप ब्रेक कर दो आयोटा स्क्वायर की पावर 5 मल्टीप्लाई आयोटा। इसी तरह आयोटा 14 को आप ब्रेक कर दो आयोटा स्क्वायर की पावर 7। इस तरह भी कर सकते हो, या फाइनल आंसर में आप कर दो, आपकी मर्जी। क्योंकि सवाल पेपर में नहीं आएंगे, एमसीक्यूज में आएंगे, तो एमसीक्यूज में मर्जी, कोई ज्यादा स्टेप आप लगेंगे नहीं। जैसे ये फालतू का स्टेप है, इसको हटा ही देते हैं हम, डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, अब जरा सिंप्लीफाई करो। कल मैंने आप लोगों को बताया था, इसको आप ब्रेक करोगे, 25 जो है वो तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो आप लोग लिखोगे 12। 2 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे 24 हो जाएगा, एक पावर बच जाएगी। सही, आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 की पावर 12 अगेन पॉजिटिव होगी, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 11 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा की पावर 14 का आंसर हो जाएगा आयोटा के बराबर। इस तरीके से आप लोग सिंप्लीफाई करोगे। ये काम आप लोग ने सब पार्ट्स के अंदर करना है। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछते जाना साथ साथ। एक स्टूडेंट का माइक्रोफोन ऑन है, अब हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, आपको बेसिकली एन की वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन क्या है कि आयोटा की पावर एन जो है वो इक्वल टू 1 हो, आयोटा हो -1 हो माइनस आयोटा हो, वेयर 1 इज लेस देन और इक्वल टू एन। मतलब एन के रिस्पेक्ट से बात करते हैं, एन जो है 1 से ग्रेटर होगा या बराबर हो सकता है, या लेस होगा या इक्वल टू 4 होगा। कहने का मतलब, ये कल मैंने आप लोगों को पावर्स ऑफ आयोटा के टॉपिक में करवाई थी ये बात, कि आपको सिंपल एक इक्वेशन दी गई है, और इक्वेशन क्या है कि वो बोल रहे हैं आयोटा की पावर एन जो है ये 1 के बराबर, और कौन कौन सी वैल्यूज हैं, आयोटा के बराबर, -1 के बराबर, माइनस आयोटा के बराबर कब कब होगा। मतलब एन की ऐसी कौन सी वैल्यू पे आपको आंसर 1 मिलेगा या आयोटा मिलेगा, या -1 मिलेगा या माइनस आयोटा मिलेगा। और उन्होंने एन की वैल्यूज की रेंज बता दी है कि एन जो है वो 1 और 4 के दरमियान होना चाहिए, ये रेंज उन्होंने बता दी है। तो ये एमसीक्यूज लेवल के सवाल है। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जब एन इक्वल टू 1 होगा तो आयोटा की पावर 1 क्या होगा, आयोटा के बराबर। जब एन इज इक्वल टू 2 होगा तो आयोटा स्क्वायर मतलब किसके बराबर होता है, -1। तो आयोटा की पावर एन व्हेन एन इज इक्वल टू 2, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इसी तरह जब एन 3 होगा तब आपको आंसर जो है वो माइनस आयोटा मिलेगा, कल आप लोगों को बताई थी बात। इसी तरह जब एन 4 होगा तो आपको आंसर 1 मिलेगा। तो एन की वैल्यू 1 पे आपको आयोटा मिलेगा, एन की वैल्यू 2 पे आपको -1 मिलेगा, एन की वैल्यू 3 पे आपको माइनस आयोटा, और एन की वैल्यू 4 पे आपको 1 मिलेगा। ठीक है, ये सवाल तो खैर बहुत बच्चों वाला है, लेकिन इसका एक थोड़ा डिफरेंट सवाल भी एमसीक्यूज में आ सकता है, कि वो आपको बोले कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आयोटा की पावर एन का आंसर 0 कब होगा, कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ पे बता सकता है कि ऐसी एन की कौन सी वैल्यू होगी जिसका आंसर 0 हो जाए। एनी आइडिया, पावर 0। अगर एन की जगह हम 0 पुट करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए आपके मुताबिक। देख लेते हैं, कोई और स्टूडेंट।
बाकी ट्राई भी नहीं करना चाह रहे। देखो इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, नंबर कोई भी हो, वो चाहे रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब आप उसकी पावर जीरो करते हो ना तो आंसर हमेशा वन आता है। इस अल्जब्रिक आइडेंटिटी को याद रख लो कि ए टू द पावर जीरो हमेशा वन के बराबर होता है। सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे ए जीरो के बराबर ना हो, जीरो के अलावा किसी भी नंबर की अगर आप पावर जीरो करोगे ना तो आंसर वन आएगा। और ये बात इनमें भी वैलिड है, ये आप प्रूव भी कर सकते हो, बहुत मुश्किल प्रूव नहीं है इसका। मैं फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक कंडीशन ले लेता हूँ कि ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, सब मानते हैं कि आंसर वन के बराबर होगा। जनरलाइज बात करते हैं ना, प्रूफ डिफरेंट तरीके से आप इसको कर लो। ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर क्या होगा? वन के बराबर होगा, सब ये कहेंगे कैंसिल करो और वन लिख दो। अब आपने बात पढ़ी थी अलजबरा में कि जब डिनोमिनेटर से आप किसी टर्म को ऊपर लेकर आते हो तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, तो जब ये ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। फिर आपने पढ़ा था कि बेसिस सेम हो, पावर को ऐड कर दो, तो एट दी एंड ए की पावर जीरो वन के बराबर है। और यहाँ पे ए की जगह कोई भी नंबर पुट कर दो, किसी भी तरीके से प्रूफ कर दो, मैंने ए स्क्वायर रखा, कुछ भी कर लो, यहाँ पे इस नतीजे पे पहुंचोगे कि ए की पावर जीरो वन के बराबर होता है। बस ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो फिर क्या होगा? वो टॉपिक फिलहाल आप लोगों के फर्स्ट ईयर का नहीं है, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाता है, वो सेकंड ईयर का टॉपिक है, तभी हम उसको देख लेंगे कैलकुलस के अंदर। अभी के लिए आपको बताओ ना जी, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो आंसर वन आता है। तो इसी तरह आयोटा के अंदर भी ये वैलिड है कि आयोटा का कभी भी आंसर जीरो नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का आंसर जीरो नहीं हो सकता। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टू की पावर आप कैलकुलेटर में लिखो, आप लोग ना इस तरह कैलकुलेटर में दबाओ टू की पावर, यहाँ पे इस डब्बे की जगह पे आप कुछ भी लिख दो, आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर लिख दो पावर में, कोई नेगेटिव नंबर लिख दो, जीरो लिख दो, इरेशनल नंबर लिख दो, रेशनल नंबर लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो, आप इस नतीजे पर पहुंचोगे कि इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। कभी भी आपको आंसर इसका ना जीरो मिलेगा ना कोई नेगेटिव मिलेगा। कैलकुलेटर आप लोगों के पास से चेक करके देख लेना, कुछ भी टू की पावर कर दो, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, ना कभी जीरो मिलेगा, हमेशा जीरो से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव मिलेगा आपको। तो दैट्स वाई आयोटा की पावर एन कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, कोई भी आप एन की वैल्यू पुट कर दो आंसर जीरो नहीं हो सकता। तो ये तो आपने जनरलाइज बात कर ली ना, किसी भी नंबर में ये होता है कि आप उसकी पावर कुछ भी कर दो आंसर जीरो नहीं होता। अगर आप आयोटा के सेंस में आओ ना तो आयोटा के चार ही आंसर होते हैं, या तो आयोटा होगा या माइनस वन होगा या माइनस आयोटा होगा या वन होगा। आयोटा की कुछ भी पावर आप कर दो आंसर आपको ही मिल रहे होंगे, कुछ भी का मतलब अगर आप इंटीजर पावर कर रहे हो, इंटीजर पावर मतलब पॉजिटिव वन टू थ्री इस तरह, नेगेटिव इस टाइप का, तो इंटीजर आप पावर कुछ भी कर दो आपको आंसर इन्हीं चार में से मिलेगा। कंसीडर कर लो, ये हमने कल एग्जांपल डिस्कस नहीं की थी, आयोटा की पावर फॉर एग्जांपल माइनस 20 कर लेते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे? वन अपॉन आयोटा की पावर 20 इस तरह लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगी जिस तरीके से भी कर लो। फिर क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 20 को ब्रेक कर सकते हो आयोटा स्क्वायर की पावर 10, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन, माइनस वन की पावर 10 क्या होगा? वन के बराबर। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे नेगेटिव इंटीजर हो पावर में, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे जीरो हो आयोटा की पावर में, आंसर आपको हमेशा इन्हीं में से मिलेगा, कोई और आपको नहीं मिलेगा। अगर एन की जगह जीरो होगा तब भी आंसर आपको वन मिलेगा, जीरो कभी नहीं मिल सकता आयोटा में, वैसे भी जीरो आपको नहीं मिल सकता, लेकिन अगर स्पेसिफिक आयोटा की बात करें तो चार वैल्यूज ही आपको मिलती है, कुछ और नहीं मिल रही होती। एक और चीज जो मेरे कल जहन में आ रही थी मैं बताना भूल गया था, वो रिजल्ट ये था, अपने पास लिख लेना, वो छोटा सा रिजल्ट है कि आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1। इस रिजल्ट का मतलब क्या है? 4n बेसिकली हम कहते हैं 4 के टेबल को, आप लोगों ने बचपन से 4 का टेबल पढ़ा है ना, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 जो भी है, तो ये 4 का टेबल है। आप n की जगह 1 पुट करो 4 आएगा, 2 पुट करो 8 आएगा, 3 पुट करो 12 आएगा। यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि आयोटा की पावर में कोई ऐसा नंबर हो जो 4 के टेबल में आता हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे आपने देखा, अगर आप टेबल जो है आपने पॉजिटिव टेबल पढ़े ना, आप नेगेटिव टेबल भी पढ़ सकते हो कि 4 × -1 − 4 − 2 − 8 इस तरह भी पढ़ सकते हो ना, तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो -20 भी 4 के टेबल में आते हैं, तभी आपको आंसर यहाँ पे 1 मिल रहा है। जब भी आप आयोटा की पावर देखो जो 4 के टेबल में आती हो तो आंसर 1 आता है, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक लिखता हूँ आयोटा की पावर 84, अब मुझे पता है 84 जो है वो 4 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है, 84 4 के टेबल में आता है, मुझे इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको आंसर 1 लिख दूंगा, टाइम क्यों जाया करूं मैं अपना। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रख लेना। इसमें मैं आगे लिख देता हूँ वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब एन इंटीजर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं पुट कर देना, तब वो बात गलत हो जाएगी। और दूसरी बात मैं लिख रहा हूँ, इसको भी अपने पास नोट कर लेना,
आयोटा की पावर एन प्लस आयोटा की पावर एन प्लस वन प्लस आयोटा की पावर एन प्लस टू प्लस आयोटा की पावर एन प्लस थ्री, इन चार कंसेकेटिव आयोटा की पावर का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। अब इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब चार कंसेकेटिव पावर आप आयोटा की ऐड करते हो, कंसेकेटिव का मतलब क्या होता है? साथ वाली पावर। फॉर एग्जाम्पल, आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13, ये चार कंसेकेटिव पावर है, 10, 11, 12, 13। जब आप ये ऐड करोगे ना, रिजल्ट हमेशा जीरो के बराबर आएगा। वजह क्या है इसकी? वजह ये कि जो चार कंसेकेटिव पावर है वो आपको चार वैल्यूज देंगी, कोई एक माइनस आयोटा दे रही होगी, कोई वन दे रही होगी, कोई आयोटा दे रही होगी, कोई माइनस वन दे रही होगी। तो जब आप इन चारों वैल्यूज को ऐड करोगे तो ये जीरो हो जाएंगे आपस में, आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन वन से कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस नतीजे में पहुंचोगे ये कंसेकेटिव पावर हो, कंसेकेटिव साथ वाली, एन एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री। फॉर एग्जाम्पल, एन की जगह आप यहाँ पे 15 पुट करते हो तो आयोटा की पावर 15, आयोटा की पावर 16, 17, 18, चार कंसेकेटिव पावर को ऐड करोगे, रिजल्ट जीरो के बराबर आ जाएगा। ये दो बातें सब आ गई है सबको? कोई मसला यहाँ पे? सेम दोनों में शर्त है कि एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इनको नोट कर लेना, ये मिस हो गई थी मुझसे, ये पहली क्लास में मुझे बतानी चाहिए थी। कोई सवाल है यहां तक बच्चों तो पूछ लो। डिक्रीजिंग पावर का डिक्रीजिंग पावर की एक ही बात है, डिक्रीजिंग पावर तुम कह लो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल तुम दो ना, तुम्हारे ध्यान में क्या आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, 18, 18, 17, 16, तो ये कहने मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है ना, कहां से तुम देख रहे हो? ये इस ऑर्डर में लिखी हुई, क्या मैं इस ऑर्डर में नहीं लिख सकता? 15, 16, 17, 18 लिख दूंगा मैं इस ऑर्डर में, क्या फर्क पड़ेगा? एक ही बात है। और दूसरी बात, अगर तुम इस ऑर्डर में चेंज ना भी करो फिर भी वही बात है ना, है तो चार कंसेकेटिव। सर प्लस में ही हो, मतलब माइनस में भी हो सकती है। अच्छा हाँ, नहीं माइनस में ना हो, दरमियान में अगर माइनस आ गया ना तो फिर वो चीज नहीं होगी। क्योंकि जो मैंने कैंसिल होने की वजह क्या है, कैंसिल होने की वजह ये कि जी इन चार में से किसी एक की वैल्यू होगी माइनस आयोटा, किसी एक की जी होगी वन, किसी एक की होगी आयोटा और किसी एक की होगी माइनस वन। अब अगर तुम इनको ऐड करोगे ना तो ये आपस में कैंसिल होंगे। अगर तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिए ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तुमने माइनस लगा दिया तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वाला वन और ये वाला वन कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा। समझ आ गई बात? सारी नेगेटिव पावर सारी प्लस नेगेटिव, की कोई जगह पे मसला नहीं है माइनस आ ना। गया। अरे कोई मसला ही नहीं, आप एन की जगह फॉर एग्जाम्पल माइनस 10 पुट करो, ये हो जाएगा माइनस 10। यहाँ पे माइनस 10 पुट करो, माइनस 10 प्लस वन होता है माइनस 9। नीचे आयोटा के बाद अच्छा नीचे माइनस हो सब, जी तो तब भी एक ही बात है। मैं कोई एक रैंडम एग्जाम्पल ले लेता हूँ, शुरू की चार कंसेकेटिव पावर ले लेते हैं ना और दरमियान में नेगेटिव लगा देते हैं। ये कंडीशन कह रही हो ना आप, ये चार कंसेकेटिव पावर है लेकिन माइनस आ जाए दरमियान में, तो कोई मसला नहीं है। आप जी। माइनस कॉमन ले लो और माइनस कॉमन लिए बगैर भी आप सॉल्व कर लो। अगर आप माइनस कॉमन लोगे यहां से, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो आप सब पॉजिटिव हो जाएंगे और इन पूरी चीज का आंसर जीरो होगा। माइनस को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो भी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब नेगेटिव होना चाहिए। फिर ये नहीं कि तीन दर दो नेगेटिव आ रहे हैं और एक इधर पॉजिटिव आ गया, वो मसला हो जाएगा। क्लियर है सबको? समझ आ गई? कोई सवाल? अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। आप लोग खुद ही कर लेना यार, अगेन ये पेपर में सवाल आने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक बेसिक सवाल है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है सिंप्लीफाई करो। अब पार्ट नंबर 1 में दरमियान में डॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो वो जो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है ना, ए सी माइनस बी डी और बी सी प्लस ए डी, वो लगा देना, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा आपकी मर्जी है, आप ये ब्रैकेट वाली फॉर्म में इनको करना चाह रहे हो या आप इसको जो कार्टेशियन फॉर्म बताई थी ना, आयोटा वाली फॉर्म जो थी, उसमें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर वाली दी हुई, आप इसको कन्वर्ट करके जिस तरह आपको आसानी होती है ना, कि फॉर्मूला यूज कर लो या फॉर्मूले के बगैर कर लो, आपकी मर्जी है। कोई आपको रोकेगा नहीं कि आपने ये वाली चीज क्यों यूज किया, फॉर्मूला यूज करना चाहिए था, कोई कह नहीं है इसमें। हाँ सर बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 8 में आयोटा ही नहीं दिया सर। पार्ट नंबर 8 में आयोटा नहीं देंगे ना? क्यों देंगे आयोटा, जो ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म है ना, तो इस तरह तो पार्ट नंबर 1 में नहीं दिया हुआ, पार्ट नंबर 2, 3 किसी में भी नहीं दिया हुआ। इन्होंने गलती, पता है कि जिससे तुम कंफ्यूज हो रहे हो, वो ये है कि गलती नहीं है इनकी, वो तुम खुद कंफ्यूज हो रहे हो।
पार्ट नंबर फोर से लेके पार्ट नंबर सेवन तक ना इन्होंने ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म नहीं दी भाई। जरा इन दोनों फॉर्म में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका 2.3 और एक लिखने का तरीका 2+3 आयोटा। इस वाली फॉर्म में हम ब्रैकेट लगाते नहीं है, लेकिन अगर कोई लगा दे तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं इस तरह लगा भी दूं तो ये दो अलग अलग फॉर्म है। ये है ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म जिसमें आयोटा नहीं आता, दूसरी बात दरमियान में कॉमा आ रहा होता है, और ये नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म जो हम यूज कर रहे होते हैं 2+3 आयोटा। इसमें बेशक ब्रैकेट लगा दो, कोई काम नहीं है ब्रैकेट का, इसमें वैसी लगाई भी होती है उन्होंने, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर पार्ट नंबर फोर से लेके पार्ट नंबर सेवन तक देखो ना तो वो यही वाली फॉर्म है, बस उन्होंने ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट जो आप अलजबरा में लगाते थे बस। जैसे मैं एक सवाल करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट नंबर सेवन है ना, 7+4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8+5 आयोटा, ये लिखा हुआ है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, 7+4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8+5 आयोटा। अब आपकी मर्जी है, फॉर्मूला यूज कर लो, ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करके फॉर्मूला यूज कर लेना, या वैसे भी आप इसको सिंपल तरीके से कल मैंने बताया था कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और डिवाइड कर दो इस तरीके से। तो ये अब मसला मैंने पहली क्लास में तभी क्लियर किया था, अगर आपको इनमें कन्वर्ट का कॉन्सेप्ट पता है ना कि यार कौन सी ऑर्डर पेयर वाली है कौन सी उसके बगैर है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आप दोनों में काम कर सकते हो। बस इस बेसिक चीज को सीख लो, जितना जल्दी उतना फायदा हो जाएगा। और जो पार्ट नंबर एट है उसमें उन्होंने ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म दी हुई है, और उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 5-6+4-8-3-2। तो ये वही बात है, अगर मैं लिखूं 5-6 आयोटा प्लस 4+8 आयोटा माइनस 3-2 आयोटा, ये वही बात है कि अगर मैं इनको इस तरीके से लिखूं। नोटेशन का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, समझ आइए बात। क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोग कर लोगे, मैं जरा फोर करवा देता हूँ, फोर के कुछ पार्ट तंग कर सकते हैं आप लोगों को। अच्छा फोर में लिखा हुआ सिंप्लीफाई करना है, अब जो सिंप्लीफिकेशन वो आपसे डिमांड कर रहे हैं आप उस तरह सिंप्लीफाई कर लेना। जैसे पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर थ्री, पार्ट नंबर फोर, इसमें सिंपल स्क्वायर और क्यूब करना है, ये आप लोग आसानी से कर सकते हो। पार्ट नंबर वन में पावर फोर करनी है, तो अब पावर फोर हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर फोर। आप लेट कर लो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जेड का नाम दे देते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, और आपने बताना है कि भाई सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, मैंने कल भी बताया था, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है कि रियल पार्ट आपने अलग लिखा, इमेजनरी मतलब रियल नंबर अलग, इमेजनरी नंबर अलग, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। अभी तो इस तरह अलग अलग नहीं हुआ ना, पावर लिखी हुई आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल ये है, नॉर्मली हमें पावर फोर का जो बाइनोमियल में फॉर्मूला होता है ना वो आप लोगों को नहीं आता, अभी तक आप लोगों ने बाइनोमियल चैप्टर नहीं पढ़ा, चैप्टर नंबर सेवन है, पता नहीं एट है, कौन सा चैप्टर है, सिक्स होगा मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन बाइनोमियल का चैप्टर है, उसमें हम एक बाइनोमियल थ्योरम यूज करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसका इजी हल भी है हमारे पास। वो इजी हल क्या है, किसी को पता कि पावर फोर को कैसे सॉल्व करोगे, क्या आइडिया? अलग अलग कर लेंगे टू। हाँ एक्सीलेंट, आप ये काम कर लो कि आप टू का तो फॉर्मूला आपको आता है ना, तो आप इस तरह ब्रेक कर दो, रूल तो आप लोगों को पता है अलजेब्रा का, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो पावर फोर को मैंने ब्रेक कर दिया। अब मुझे फायदा ये हुआ कि ये जो इनर ब्रैकेट है ना ये वाली, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से। सॉरी, इसका मुझे फॉर्मूला आता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या होगा फोर, माइनस टू ए बी, ए यहाँ पे क्या है टू और बी यहाँ पे क्या है आयोटा, प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। एक चीज देख लेना, ये फॉर्मूले में ना ये वाला माइनस नहीं लगाओगे आप, बताता हूँ क्यों नहीं लगाओगे, कि जब आप ये फॉर्मूला जो मैंने यूज किया ना वो ये वाला यूज किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना तो फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की शर्त ये होती है कि जो नेगेटिव है ना, अब आपने इसको अप्लाई करते हुए नेगेटिव यूज नहीं करना होता, क्योंकि इस नेगेटिव की वजह से ऑलरेडी आपने यहाँ पे नेगेटिव लगाया हुआ है। अब जो आप वैल्यूज देखोगे ना वो आप नेगेटिव को नहीं देखोगे, तो पहली चीज ये है, दूसरी चीज जस्ट बी है, तो आप यहाँ पे देखो तो पहली चीज है टू और दूसरी चीज है जस्ट आयोटा, नेगेटिव नहीं आपने लगाना, इस चीज का खास ख्याल रखना, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे गलती से नेगेटिव लगा दिया था। जब आप फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव कंसिडर कर रहे हो तो फिर तो बात खत्म होगी ना, कि आप दोबारा नेगेटिव क्यों लगा रहे हो। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस अगेन बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हम देख लेंगे क्या आ रहा है, और ये वाला होल स्क्वायर जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो जस्ट हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो थी उसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं।
मजीद सिंप्लीफाई का मतलब ये है यहाँ पे कि ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4 आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 4 और -1 ये क्या हो जाएगा, 3, ये पीछे आपके पास बचेगा। अब अगेन वही काम करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 -24 आयोटा और 16 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा -16, तो 9 -16 किसके बराबर होता है, -7 के, तो -7 -24 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखो आपने बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रियल नंबर अलग है इमेजिनरी नंबर अलग है, आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में यार पार्ट नंबर 2 हो गया। अच्छा एक मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर ये मैं वैसे बता देता हूँ आप लोगों को, कि अगर आप लोगों के सामने ये चीज लिखी हुई हो या आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ हो, ये एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। जैसे पार्ट नंबर 2 में अगर आप देखो दोनों के साथ नेगेटिव आया हुआ है, अगर दोनों के साथ नेगेटिव आ जाए दोनों के साथ पॉजिटिव आ जाए, सेम ही फॉर्मूला आप यूज करते हो, वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर +2 ab +b2। उसकी वजह एक ही सिंपल, कि जो अंदर माइनस आ रहा है ना, इस माइनस को आप कॉमन ले लो। अगर मैं इस माइनस को कॉमन लूंगा ये हो जाएगा a+b, ठीक है, और जब माइनस का मैं स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपल किसके बराबर हो जाएगा, a+b होल स्क्वायर के। तो अगर अंदर दोनों नेगेटिव आ जाए या दोनों पॉजिटिव आ जाए, फॉर्मूला आपने ये यूज करना है। तो जब आप पार्ट 2 सॉल्व करो ना, पार्ट 2 में ये लिखा हुआ है, तो आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरह डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या आप इसको पहले पॉजिटिव कर लो ताकि आसानी हो जाए, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होगा, वही ए ए स्क्वायर +2 ab +b2। इसके बाद तो सिंप्लीफाई करना, एक सेकेंड आप लोगों को नेट का थोड़ा इशू हो रहा होगा। अच्छा तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, खत्म। और एक और बात, जैसे अगर आपके पास लिखा हो ए माइनस बी होल स्क्वायर या लिखा हुआ हो -a+b होल स्क्वायर, अगेन एक ही बात है, वही आप यहां से माइनस कॉमन ले लेना तो ये a-b हो जाएगा। तो जो इस पे आप फॉर्मूला लगाओगे सेम इस पे फॉर्मूला लगाओगे, तो अगेन वही बात, जब आप इसको एवेल्युएट कर रहे होगे ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3 में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है, तो अब आप इस माइनस को इग्नोर कर दो। जैसे मैंने पहले बताया था ना, जब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, फॉर्मूले में ऑलरेडी आपने नेगेटिव लगाया हुआ है, तो फिर इस माइनस को इग्नोर कर दो। आप सिंपल करो ए स्क्वायर ए यहाँ पे 1 है, -2 ab इस तरह आप लिखोगे। ये नहीं कि ए के अंदर आप दोबारा नेगेटिव लगाओ, इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, वो गलत हो जाएगा। जब फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव लगाया हुआ है, तो अब आपने इसको इग्नोर करना है, ए वैल्यू 1 है, बी वैल्यू √3 है। या अगर आप इस फॉर्म में इसको माइनस कॉमन लेके इस फॉर्म में ले आओ, तब ये इस तरह हो जाएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, देखने में फर्क लग रहा है आपको, दोनों केसेस में फॉर्मूला आपने सेम ही यूज करना है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप लोगों ने पहले नहीं सीखी तो अभी सीख लो इसको, ताकि आगे जाके मसला ना करें। अच्छा बाकी पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5 हो गया, पार्ट नंबर 7 और 8 मैं जरा पहले बता देता हूँ इसमें क्या करना है, क्योंकि मुश्किल जो है वो असल पार्ट नंबर 6 ही है थोड़ा बहुत, या पार्ट नंबर 6 भी ऐसे मुश्किल नहीं है, मैं पार्ट नंबर चलो 7 करवा दूंगा, बाकी इजी है सारे। जैसे पार्ट नंबर 5 है, इन सब में आपने डिवाइड करना है, तो पार्ट नंबर 5 में जस्ट आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना और सिंप्लीफाई करना, एंड पे आपको एलसीएम ब्रेक करना होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, वो मैं बताऊंगा एक सवाल करवा के। पार्ट नंबर 6 पे अगर आप आओ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना न्यूमिनेटर में, दोनों को मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर में, तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो डिवाइड किस तरह करोगे, अगेन डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सिंप्लीफाई करना है, एंड पे एलसीएम ब्रेक होगा, रियल नंबर अलग इमेजिनरी नंबर अलग हो जाएगा। और पार्ट नंबर 8 में भी आपने यही करना है, कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना 2 - iota का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना, जब ये सिंप्लीफाई हो जाए तो डिनोमिनेटर में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा, अगेन उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। सब में आपने ये काम करना है, और ये मैं करके दिखा देता हूँ पार्ट नंबर 7 के अंदर, ठीक है। पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है 2 + iota का होल स्क्वायर / 3 - 4 iota, लेट कर लो ये जेड के बराबर है, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो न्यूमिनेटर को, 2 + iota का होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a² + 2 ab + b²। अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, थोड़ा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में क्या है 3 - 4 iota,
अच्छा जी, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो माइनस वन और फोर ये हो जाएगा थ्री, फोर आयोटा डिवाइडेड बाय थ्री माइनस फोर आयोटा। अब अगेन आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का सिंपल तरीका क्या है, आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लो और उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, थ्री प्लस फोर आयोटा, उससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर जो है ये सिंपल लैंग्वेज में क्या बन गया, थ्री प्लस फोर आयोटा का होल स्क्वायर, थ्री प्लस फोर आयोटा, थ्री प्लस फोर आयोटा मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, थ्री प्लस फोर आयोटा का होल स्क्वायर। और नीचे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो याद है रिजल्ट क्या होता है, कल बताया था मैंने। भूल गए सब, कल ही बताई थी ये बात कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है थ्री, थ्री का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट माइनस फोर लो, फोर लो, बात एक ही है, माइनस फोर का स्क्वायर लो या फोर का स्क्वायर लो, आंसर तो पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, नाइन प्लस सिक्सटीन क्या होता है 25, और न्यूमिनेटर को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये माइनस सिक्सटीन हो जाएगा, नाइन माइनस सिक्सटीन क्या होता है माइनस सेवन प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। और नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, बस अब आप एलसीएम ब्रेक कर देना। एलसीएम ब्रेक किस तरीके से होगा, माइनस सेवन अपॉन 25 प्लस 24 आयोटा अपॉन 25, ये काम करना है आपको। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया। कोई सवाल यहां तक? तो अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट है, इसको आप लोग बाकी पार्ट कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आओ, लिखा हुआ शो दैट के कॉम्प्लेक्स नंबर है सेटिस्फाइज द इक्वेशन। याद रखो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, किसी को पता है यहां पे किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब? जैसे उन्होंने बोला है कि क्या, इक्वल करना दोनों साइड पे। हाँ कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला है कि प्रूफ करो, अगर मैं आप लोगों को लिखवा दूं थोड़ा, वी हैव टू प्रूफ दैट जेड इक्वल टू वन प्लस माइनस आयोटा, इसको वन कह देते हैं, सेटिस्फाइज इक्वेशन वन। हमें प्रूफ करना है कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि जब आप वो वैल्यू पुट करो ना इक्वेशन के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के। जैसे इस केस में पूरी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, इसको आप कहते हो सेटिस्फाई करना। तो हमें प्रूफ करना है कि वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो जरा हम इसको पुट करके देखते हैं, अलग अलग पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी वरना कंफ्यूजन हो सकती है। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ यहाँ पे जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा, हम देखते हैं क्या वन प्लस आयोटा सेटिस्फाई कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं, जेड की जगह पे वन प्लस आयोटा पुट करो, ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू टाइम जेड प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व करो ये हो जाएगा वन प्लस टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस टू को मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, वन और आयोटा स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस वन और वन कैंसिल, टू आयोटा और माइनस टू आयोटा कैंसिल, माइनस टू और टू कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी जीरो के बराबर हो गई, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही है। अब आप चेक करो क्या वन माइनस आयोटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करो वन माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस टू वन माइनस आयोटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अगेन वन और आयोटा स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टू आयोटा और टू आयोटा कैंसिल, माइनस टू और टू कैंसिल, जीरो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है। इस तरीके से आप प्रूफ करोगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या करना है, ये सवाल मेजोरिटी तो आप लोगों ने ही करना है शुरू के पार्ट। लिखा हुआ है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। भाई कॉन्जुगेट निकालने का तरीका क्या होता है, इमेजिनरी का साइन चेंज करना है, और मॉडुलस में क्या होता है, स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर। अच्छा मॉडुलस बोले या एब्सोल्यूट वैल्यू बोले, एक ही बात है, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में,
तो स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का, मतलब आयोटा का स्क्वायर नहीं करना, जो आयोटा के साथ लिखा होगा उसका स्क्वायर करोगे आप। तो पार्ट वन टू ये तो आप लोग आसानी से कर लोगे। पार्ट नंबर थ्री में क्या होगा, रूट थ्री आयोटा है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में क्या होगा, जीरो प्लस रूट थ्री आयोटा। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जीरो माइनस रूट थ्री आयोटा, सिंपल लैंग्वेज है माइनस रूट थ्री आयोटा। और जब आप मॉडुलस निकालोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस रूट, सॉरी रूट थ्री का स्क्वायर, आयोटा के साथ रूट थ्री लिखा हुआ है ना, तो रूट थ्री का स्क्वायर और जीरो का स्क्वायर सॉल्व करना, आंसर आपके पास रूट थ्री आ रहा होगा, करके देख लेना। सो पार्ट नंबर फोर में भी यही है लिखा हुआ है, रूट सेवन माइनस थ्री आयोटा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, जल्दी से बता देता हूँ, रूट सेवन माइनस थ्री आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट सेवन प्लस थ्री आयोटा, तो कॉन्जुगेट तो आसानी से निकाल लोगे, ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। अच्छा, अगर आपको निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या करोगे आप, स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर मतलब रूट सेवन का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो सेवन का स्क्वायर क्या होता है, सेवन मतलब रूट सेवन का स्क्वायर होगा सेवन और माइनस थ्री का स्क्वायर होगा नाइन, तो ये हो जाएगा सिक्सटीन, और सिक्सटीन का रूट क्या होता है, फोर होता है। समझ आ रही है ना सबको, कोई सवाल हो तो पूछ लेना। पार्ट नंबर फाइव भी आसानी से कर लेना। पार्ट नंबर सिक्स में क्या होगा, पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाओगे तीन टर्म आएंगी, सिंप्लीफाई करना दो टर्म हो जाएंगी, एक रियल होगा एक इमेजिनरी होगा, उसके बाद वही आपने जो कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेना। पार्ट नंबर सेवन में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन आपको करनी है, जैसे लिखा हुआ है टू अपॉन थ्री माइनस, ये लिखा हुआ है माइनस अपॉन रूट सिक्सटीन। मैं लास्ट क्लास में बताया था कि जब आयोटा आपको नहीं दिया हुआ और इस फॉर्म में दिया जाए, तो आपने इस जो रूट के अंदर माइनस आया हुआ है ना, इसकी जगह जस्ट आयोटा लिख दो, ठीक है। मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूँ, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना, कि जो माइनस वन है ना, इसको अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे आयोटा आएगा। मैं रीजन भी बताई थी किस प्रोसेस से आयोटा आ रहा होता है, और पीछे क्या बचेगा, नाइन अपॉन सिक्सटीन का रूट। नाइन अपॉन सिक्सटीन का रूट क्या होगा, नाइन का रूट थ्री, सिक्सटीन का रूट फोर। तो सिंपल लैंग्वेज में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास असल में, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे, दरमियान में पॉजिटिव कर देना, कॉन्जुगेट आ गया। मॉडुलस कैसे निकालोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है टू अपॉन थ्री इसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस थ्री अपॉन फोर का स्क्वायर, टू का स्क्वायर ये हो जाएगा फोर अपॉन नाइन, और ये हो जाएगा नाइन अपॉन सिक्सटीन। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, नाइन और सिक्सटीन का एलसीएम क्या होता है, आई गेस 144 ही होता है इनका, दरमियान में तो कहीं नहीं आते ना ये, 48 में भी नहीं आएंगे, 64 नहीं, 144 ही होता है आई गेस एलसीएम। तो सॉल्व करना, नाइन इस पे जाता है 16 टाइम, 16 64 हो जाएगा, और ये इस पे जाता है 9 टाइम, ये 81 हो जाएगा। तो 81 और 64 क्या होता है, 85 और 155, नहीं 145 होगा आई गेस, ऐड करो जरा 64 और 81 को, 85 और 145 है आई गेस, ठीक है। तो जगह 145 अपॉन 144, 144 का स्क्वायर रूट तो हमें पता है 12 होता है, तो आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रूट 145 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 144 का रूट तो आपको पता है 12 के बराबर होता है, तो आप सिंप्लीफाई करोगे ये इसका मॉडुलस आ जाएगा, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, देख लेते हो कैलकुलेशन। 155 आएगा, जी नहीं 135 नहीं आना चाहिए, 145 ही होगा। चलो आंसर में चेक कर लेता हूँ ना, कभी गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये आंसर है टू अपॉन थ्री, सही है मेरा, ठीक है बिल्कुल यही होगा, आप चेक कर लो दोबारा। पार्ट नंबर अगर आप एट की बात करो, तो अगेन देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, उसके बाद आप कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकाल लेना। तो पार्ट नंबर एट को सिंप्लीफाई करने का तरीका हमने क्वेश्चन नंबर फोर में देख लिया था कि सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के पार्ट नंबर एट में आप पहले मल्टीप्लाई करना न्यूमिरेटर को, बहुत दफा बताया मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, मल्टीप्लाई करोगे तीन चार टर्म आ रही होंगी, सिंप्लीफाई करना तो दो टर्म बच जाएंगी, एक रियल होगा और एक इमेजिनरी होगा, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है थ्री प्लस आयोटा। तो पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर लेना, डिवाइड किस तरह करते हो, अगेन डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सॉल्व करना, यहां तक आओगे एलसीएम ब्रेक करना, यहां तक पहुंच जाओगे। जैसे यहां तक पहुंच जाओ उसके बाद तो कॉन्जुगेट निकालने का तरीका क्या है, नेगेटिव कर देना, और मॉडुलस का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ये हो जाएगा, इसमें आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सेवन पे आओ। क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा हुआ फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सेम ही किस्म के सवाल है यार जो आप लोग पहले कर चुके हो, बस एंड पे एक आखिरी स्टेप लिखना है आपको, एक नया स्टेप लिखना होगा।
पार्ट नंबर वन में तो सेपरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, पार्ट नंबर में टू करवा देता हूँ, फिर वन का भी चलो बता दूंगा किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट नंबर टू, तो लेट कर लो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नाम दे देते हैं, आसानी हो जाती है। रूट फाइव प्लस आयोटा और रूट फाइव माइनस आयोटा। आपको बोला हुआ कि रियल और इमेजनरी सेपरेट करो। भाई सिंपल लैंग्वेज में आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। सिंप्लीफाई करने में आपका मकसद क्या होता है? भाई एंड पे रियल नंबर अलग हो, इमेजिनरी नंबर अलग हो, इसको सिंप्लीफाई कहते हैं। और जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। अब सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, अगेन क्या करेंगे यहां पे सिंप्लीफाई करने के लिए? कैसे सिंप्लीफाई होता है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से। किसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें? फाइव अंडर रूट फाइव माइनस आयोटा। मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि ये तो नहीं कि सो रहे हो तुम लोग सब। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है? दरमियान में पॉजिटिव कर दो, कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो अगर आप न्यूमिनेटर में देखो तो ये रूट फाइव प्लस आयोटा, रूट फाइव प्लस आयोटा, फिर तो सिंपल लैंग्वेज में रूट फाइव प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया। और नीचे मैंने आप लोगों को बताया है जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अच्छा जी, अब आप सिंप्लीफाई करो, ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर फाइव होता है प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा वन। सॉल्व करो, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है। अगर आप एक स्टेप स्किप करना हो ना, कोई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस वन लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में फाइव माइनस वन करेंगे, तो अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हो, उसको कैंसिल करो ऊपर और लिख दो कि ये माइनस वन होता है। तो कैंसिल करने का मतलब, ये कैंसिल के सेंस में नहीं आता, इसका मतलब ये कि मैं बताना चाह रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू माइनस वन है तो फाइव माइनस वन क्या होगा, फोर, ये लिख दोगे। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, फाइव प्लस वन सिक्स। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब एलसीएम आपने ब्रेक किया, ठीक है, यहां पे आने के बाद एक एक्स्ट्रा काम कर लो, फोर अपॉन सिक्स क्या होता है टू अपॉन थ्री, और टू अपॉन सिक्स क्या होगा वन अपॉन थ्री, सिंपल रूट फाइव अपॉन थ्री आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना था, आपको बताना था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो बस एक एक्स्ट्रा स्टेप करो, यहां पे लिखो कि हेंस, लिख देना कि हेंस आर ई जेड, आर ई जेड का मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आया है, टू अपॉन थ्री, और नीचे लिख देना आई एम जेड, आई एम जेड का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, रूट फाइव अपॉन थ्री। याद रखना इमेजिनरी पार्ट के अंदर आयोटा नहीं आता, मैं बार बार आप लोगों को बताया, ये इमेजिनरी पार्ट उन्होंने बोला, इमेजिनरी नंबर नहीं बोला। तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब जस्ट आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है वो आपने बताना है। तो ये एक्स्ट्रा काम करना है इन क्वेश्चंस में, बाकी वही सिंप्लीफिकेशन करना है जो आपने पहले किया था। तो पार्ट वन तो बड़ा इजी है, टू आयोटा को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट से, तो टू आयोटा को थ्री से करोगे ये हो जाएगा सिक्स आयोटा, और टू आयोटा को माइनस फाइव आयोटा से करोगे तो माइनस टेन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद टेन हो जाएगा सिंपल। तो टेन प्लस सिक्स आयोटा सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा, रियल पार्ट टेन है, इमेजिनरी पार्ट सिक्स है, आसानी से हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाओ, छोटा सा सवाल है लेकिन देख लेते क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर एट में लिखा हुआ है इफ जेड इज इक्वल टू, अगर जेड जो है वो इसके बराबर है, एक्स प्लस वाई आयोटा के बराबर है, वेयर रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो है, मॉडुलस जो है वो टू के बराबर है। कंडीशन क्या है कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड मतलब मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू टू। तो आपको मालूम क्या करना है, आपको जेड मालूम करना है, ठीक है। अब जेड किस तरीके से आप मालूम करोगे जरा देख लेते हैं। कंडीशन आपको गिवन है कि मॉडुलस उसका टू के बराबर है। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब रियल पार्ट तो उन्होंने बताया हुआ जीरो के बराबर है, रियल पार्ट जीरो का मतलब जीरो है लैंग्वेज में, तो अगर एक्स जीरो होगा तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू। सिंपल लैंग्वेज में वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू,
तो आप क्या करो, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब स्क्वायरिंग करोगे यहां से रूट हट जाएगा, सिंपल वाई स्क्वायर बचेगा, और यहां पे स्क्वायरिंग करोगे फोर हो जाएगा दोनों तरफ। अब आपने क्या करना है, क्योंकि वाई की वैल्यू निकालनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का रूट माइनस फोर का रूट, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो जब आपके पास y की वैल्यू आ जाए, इसके अंदर एक कंफ्यूजन हो सकती है, मैं क्लियर करता हूँ। y की वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब x जीरो है इसका, क्योंकि रियल पार्ट जीरो है और y वैल्यू आपको मिल गई है। तो अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फाइनल फॉर्म में क्या आ जाएगा, हेंस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, z इक्वल टू दो हो सकते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि अगर आप प्लस टू पुट करो y की जगह पे, ये y की वैल्यू आई है ना, तो x तो जीरो है और y की जगह पे आप टू पुट करो तो ये हो जाएगा टू आयोटा। सिंपल लैंग्वेज में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू टू आयोटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर y की वैल्यू आप नेगेटिव पुट करो तो z इज इक्वल टू माइनस टू आयोटा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या कंडीशन है, इन दोनों का मॉडुलस निकालना टू के बराबर आएगा, और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इनका रियल पार्ट है वो क्या है, जीरो के बराबर है। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि आ सकती है कि अगर आप इसको देखो ना, ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू, ये लिखी है सिंपल। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट गलती करते हैं, वो गलती इस तरीके से कर सकते हैं, वो इस स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे रूट से, आंसर आएगा वाई के बराबर। मुझे बताओ किसके जहन में सॉल्यूशन आ रहा है, किसका आंसर वाई इज इक्वल टू होना चाहिए सर, जहन में आइए सुनो क्या, नहीं अगर किसी का जवाब है तो दे सकते हो आप लोग, कि ये तो मुझे जस्ट टू दे रहा है, यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज निकालनी है। सर रूट की वैल्यू प्लस माइनस के अंदर होती है, मतलब आपके कहने के मुताबिक फॉर एग्जांपल रूट फोर का क्या आंसर आना चाहिए, प्लस माइनस टू। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। कंफ्यूजन क्या है कि रूट फोर का आंसर आना चाहिए प्लस माइनस टू, गलत कॉन्सेप्ट है, पूरा गलत कॉन्सेप्ट है। अब क्यों गलत है ये, मैं इसकी डिटेल में दिल नहीं चाह रहा मेरे जाने का, इसलिए दिल नहीं चाह रहा क्योंकि मैंने तकरीबन 6-7 महीने पहले ये सवाल, इतना पूछे जाने वाला सवाल है, पूछे जाने से ज्यादा गलत करने वाला सवाल है, कि काफी स्टूडेंट इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी समझते हैं कि प्लस माइनस टू है। छोड़ो, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यूनिवर्सिटी के ही समझता था कि प्लस माइनस टू होता है। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिटेल में क्लियर किया था, डिटेल इतनी भी नहीं थी, 6-7 मिनट की वीडियो है, वो यूट्यूब पे अपलोड है, वाई की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहां पे आपको मिल जाएगा कि स्क्वायर रूट का आंसर प्लस माइनस टू क्यों नहीं होता। तो मैंने 6-7 मिनट के अंदर हर एंगल से ना कंप्लीट बात कर दी थी, तो मैं लेक्चर कंप्लीट होने के बाद वो भेज दूंगा, बेहतर आप लोग उसको देख लेना, हर तरफ से बात आप लोगों को समझ आ जाएगी। वो अभी दोबारा मैं बताऊं वो फिर क्लास का टाइम चला जाएगा हमारा, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है ये, तो आप लोग देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसी में मैंने एक और ये बात बताई होगी कि याद रखना, ये जो हम इस चीज को बस आप लोग याद रख लो कि जब रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है और आपको स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस नहीं होता। आप लोगों का नेक्स्ट सवाल होगा कि सर प्लस माइनस भी हम लगाते हैं, प्लस माइनस उस वक्त लगाते हैं जब आपके पास इक्वेशन होती है, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो तो हम तब प्लस माइनस लगा रहे होते हैं। शॉर्ट सा जवाब इसका ये है, अगर आप ऑब्जर्व करो प्लस माइनस मैंने बाइबिल्टन लगाया है, फोर का आंसर मैंने टू ही लिखा है। ये बहुत बड़ी स्टूडेंट गलती करते हैं, प्लस माइनस यहां पर नहीं लगाते, यहां पर लगाते हैं डायरेक्ट। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो ना, तब आपको प्लस माइनस लगाना होता है, जबकि रूट फोर का आंसर तो टू ही है, मैंने टू ही लिखा है, प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से लगाया हुआ था, ये प्रॉपर तरीका होता है। तो याद रखना, रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो रूट फोर का आंसर टू होगा, रूट नाइन का आंसर थ्री होगा, ये बात ध्यान में रखते हैं ना, ठीक है। ये सिंबल जो हमने डिफाइन किया हुआ ना स्क्वायर रूट का, ये सिंबल जो है ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसको याद रखना कि आपको हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। अब अगर आप इस सिचुएशन पे आओगे कि वाई स्क्वायर का रूट, बच्चे क्या करेंगे, टू को कैंसिल कर देंगे रूट से और कहेंगे वाई की वैल्यू टू है, सॉल्यूशन गलत माना जाएगा। सॉल्यूशन क्यों गलत माना जाएगा, उसकी वजह यह है कि याद रखना कि अगर मैं आपके सामने लिखूं ये चीज, तो इसका आंसर भी फोर होगा, और ये चीज लिखूं इसका आंसर भी फोर होगा। अब गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने बचपन से ना शॉर्टकट पढ़ी हुई होती है, शॉर्टकट क्या होता है, स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर दो, ये शॉर्टकट पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने, तो वो बच्चे इस केस में क्या करेंगे, इस टू को रूट से कैंसिल करेंगे, सॉरी इसका आंसर टू आएगा, ठीक है। अच्छा, बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर को रूट से कैंसिल करेंगे और आंसर में लिख देंगे टू, यहां तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है।
वो इस वाले केस में भी यही काम करेंगे कि स्क्वायर को रूट से कैंसिल करेंगे और आंसर लिख देंगे माइनस टू। यहां पर बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि बेसिक असूल याद रखो, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो आंसर पॉजिटिव होता है, आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिव आप ला ही नहीं सकते। तो अब इसका करेक्ट तरीका क्या है? चलो ये तो हमने देख लिया कि कैंसिल करने वाली बात गलत है, तो करेक्ट तरीका इसका क्या है? करेक्ट दो तरीके हैं समझने के लिए। अब वो दो तरीके, दूसरा वाला तरीका थोड़ा मुश्किल लगेगा आप लोगों को, सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता देता हूं कि वो तरीका ये कि आपने टू को डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना होता, आपने पहले इसका स्क्वायर करना होता है। टू का स्क्वायर क्या होगा? फोर, और फोर का रूट आपको पता है टू के बराबर होता है। सेम काम यहां पे करोगे, माइनस टू का पहले स्क्वायर करोगे, माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा? फोर, और अगेन फोर का रूट टू के बराबर होगा। इस तरह करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, सही है? तो अब यहां पे इसको समझ लो कि इसका आंसर मैंने जस्ट टू क्यों नहीं लिखा। वो वजह यही है, वो वजह इसलिए है कि यहां पे जो वाई है ना, बेसिकली वाई अननोन होता है ना, तो यहां पे वाई की दो वैल्यूज है जो सेटिस्फाई करेंगी। आप वाई यहां पे टू पुट कर दो, स्क्वायर फोर होता है और फोर का रूट टू होता है, इसका मतलब वाई की टू वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है। और यहां पे वाई की अगर आप माइनस टू पुट करोगे तो माइनस टू का स्क्वायर भी फोर होता है और फोर का रूट टू के बराबर होता है। तो अगर आपको करेक्ट कॉन्सेप्ट पता होगा ना, तो ये आपको दो अलग वैल्यू नजर नहीं आएंगी बल्कि एक ही वैल्यू नजर आएगी। तो उसका मतलब ये कि वाई की दो ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। वो दो वैल्यूज कौन सी हैं? एक टू थी, एक माइनस टू थी। तो अगर डायरेक्ट कैंसिल वाला तरीका आपने समझा हुआ होगा ना, तो फिर आपको ये कंफ्यूजन होगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सीखा हुआ होगा, तभी मैंने ये वाला तरीका करवाया नहीं है, मैंने एक और हल निकाला, मैंने स्क्वायरिंग से करवा दिया इसको, ताकि कंफ्यूजन से आप लोग बच जाओ। लेकिन अगर कोई स्क्वायरिंग नहीं कर रहा, पहले मुझे बताओ यहां तक मेरी बात समझ आ गई सबको, जो कंफ्यूज हो? बाकी क्या हाल है जी सर? आगे समझ। तो यहाँ पे आपने एक करेक्ट कॉन्सेप्ट तो देख लिया कि डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना होता, कंडीशन के तहत होता है। अगर नेगेटिव नंबर हो, पहले आप स्क्वायर करते हो, आंसर आपको इस टाइप का मिलता है। एक इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है सिंपल, जो मैंने आप लोगों को करवाया कि इस स्टेप में डायरेक्ट, असल में जीरो स्क्वायर को हटा दो ना, सिंपल वाई स्क्वायर का रूट था, तो एक सॉल्यूशन तो ये था कि आप टू को रूट से कैंसिल करो और वाई की जगह टू लिख दो, वो गलत हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करने से ये सिचुएशन बनेगी, सॉल्व करोगे आपको दो आंसर मिल रहे होंगे, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका तभी मैंने कहा था अगर यहां तक बात समझ आ गई है ना, तो अब इस बात को आप लोग समझ सकते हो। तो क्या है कि जो करेक्ट तरीका है ना, जो असल तरीका है, वो ये है कि अगर आपके पास ये चीज लिखी हो ना, तो इसका आंसर ये होता है। ये मॉड का मतलब सबको पता है कि अगर इसके अंदर हम पॉजिटिव पुट करें तो आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव पुट करें तो आंसर नेगेटिव आता है। ये बात सबको पता है? लाइक आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा हुआ कि अगर माइनस टू की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे तो क्या होगी? मतलब नेगेटिव को आप इग्नोर कर देते हो। तो कहने का मतलब ये जो वाई स्क्वायर की जो स्क्वायर रूट है ना, इसको हम इस तरह लिखते हैं मॉड वाई। लिखने की वजह क्या होती है? लिखने की वजह वही है कि हम ये कहते हैं कि ये चीज कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी। जब मॉड लगा देंगे ना, तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। अब बिलफर्ज अगर आप कैंसिल करना भी चाह रहे हो, तो अब आपको मसला नहीं होगा। क्यों मसला नहीं होगा? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ हो स्क्वायर, आपने क्या पढ़ा हुआ है? स्क्वायर को से बेशक कैंसिल कर दो, लेकिन जो यहाँ पे वैल्यू है उसकी आपने क्या लेनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, आंसर टू आ जाएगा। और बिलफर्ज यहाँ पे अगर माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगेन बेशक कैंसिल कर दो, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, आंसर क्या हो जाएगा? टू के बराबर। तो करेक्ट तरीका ये होता है। तो अगर आप ये स्क्वायरिंग वाले तरीके से बचना चाह रहे हो, आप कहते हो सर मुझे स्क्वायरिंग वाला तरीका नहीं करना, तो फिर आप स्टेज पे क्या करना, आपके पास इक्वेशन आ रही होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो आप वाई स्क्वायर की जगह पे ये चीज लिखना इस तरीके से। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर है? टू के बराबर है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आप ये रखना कि जब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आती है ना, तो अगर आप इसमें वाई की पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, आंसर आपको भी मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू पुट करो तो भी आंसर आपको वही मिलेगा। तो जब आप स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, तो उसके बाद हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? इसके बाद डायरेक्ट हम ये लिखते हैं कि वाई की प्लस माइनस दोनों वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप टू पुट करोगे तब भी सेटिस्फाई हो रही होगी, माइनस टू पुट करोगे तब भी सेटिस्फाई हो रही होगी। तो अगर आप ये वाला तरीका नहीं करोगे, तो उसका शॉर्ट तरीका क्या है कि आप इस स्टेप के बाद इस तरीके से लिखना, और ये लिखने के बाद आपने फिर इस तरह लिखना। इस इक्वेशन को याद रख लो, ये जहां पे भी आपकी आती है ना, आप इसी तरह इसका आंसर लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करने के लिए पूछ लेता हूँ,
कि अगर आपके पास ये चीज लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे बताओ एक्स की क्या वैल्यूज होंगी। प्लस फोर माइनस फोर कहां से आ गया, कोई और बताओ। भाई सिंपल लैंग्वेज है, प्लस 16 माइनस 16, रूट लेने वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना यहाँ पे। मैंने जानबूझ के 16 दिया था, तुम लोग रूट फोर फोर और माइनस फोर क्यों कह रहे हो। मैंने बोला कि जब इस इक्वेशन पे पहुंचो ना, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे आप पॉजिटिव में भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव में भी पुट कर सकते हो। आप यहाँ पे वाई की जगह टू पुट करो या माइनस टू पुट करो, आंसर टू के बराबर ही आएगा। सेम यहाँ पे एक्स की जगह अगर आप 16 पुट करो या माइनस 16 पुट करो, दोनों केसेस में आंसर आपको 16 मिलेगा। सही है, तो जो मैंने 5-10 मिनट अपने जाया किए ना, जाया होने नहीं चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट मेन पॉइंट जो है ना, सबसे पहला वो ये समझ लो कि रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो आंसर उसका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। प्लस माइनस नहीं आप लगा सकते, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे रूट फोर का आंसर जस्ट टू होगा। पहली बात आपने ये सीखनी है। दूसरी बात आपने सीखनी है, जब इस सिचुएशन में आते हो ना, तो ये डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन जो अंदर वैल्यू आती है उसकी आपको मॉड लेना पड़ता है, जो मैंने बताया था। बेशक आप कैंसिल कर दो, आपकी मर्जी है, आप इस तरह करना चाह रहे कर दो, लेकिन फिर आपने मॉड लेना है। तो दूसरी बात आपने ये सीखनी है, तो अगर आप मॉड लोगे तो आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। और तीसरी बात आपने क्या सीखी, जब इस टाइप की इक्वेशन है तो फिर अब आप क्या करोगे, आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। तो ये दो तीन पॉइंट अगर आप ये समझ लो, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इस तरह भी कर सकते हो, या अगर आप ये वाली फॉर्म लेट करना चाह रहे हो इस तरह भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। जो मर्जी है आपकी आप कर सकते हो। चलिए, आप लोगों की बुक जो है ना, ये अल्लाह का शुक्र अदा करो, बहुत अरसे बाद अल्लाह करके पता नहीं 15-20 साल बाद जाके चेंज हुई है। 15-20 तो मैंने वैसे बोल दी है, पता नहीं कब। सेकेंड ईयर की बुक तो चेंज हुई थी 2004 या 2005 में, उसको तो 16-17 साल बाद वो चेंज होगी नेक्स्ट ईयर। आप लोग चेंज वाली बुक पढ़ोगे जो चेंज हुई भी होगी सेकेंड ईयर में, और वो बहुत टफ बुक है। और वो बुक आप उसी वक्त समझ पाओगे जब ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, इसी तरह चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस वाला, वो जब आप पढ़ोगे ना, तभी जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो वो चीजें समझ पाओगे। वरना मैं बता रहा हूँ ऊपर से जाएंगी आप लोगों के। वो पंजाब बोर्ड से भी टफ कोर्स बनाया, जो सेकेंड ईयर का, जो उन्होंने वो एक पीडीएफ है ना जिसमें करिकुलम उन्होंने दिया हुआ कि ये होगा, अगर वाकई वो हुआ बहुत टफ कोर्स है वो। तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर की बेस अच्छी है तो कर पाओगे, वरना लॉस मैंने एक तस्वीर बनाई थी, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर जगह लगाई थी कि दो लॉस होंगे अगर फर्स्ट ईयर सही नहीं पढ़ी। एक तो जाके एग्जाम में मसला होगा, और दूसरी बात एग्जाम से निकल गया बिलफर्स पेपर इजी आ गया, निकल गया एग्जाम, सेकेंड ईयर में जाके फंस जाओगे। बिलफर्स सेकेंड ईयर का भी इजी आ गया, यूनिवर्सिटी में जाके फंस जाओगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होंगे यूनिवर्सिटी में, वहां जाके स्ट्रगल करोगे, फंसे रहोगे, कम परसेंटेजेस आ रही होंगी। तो बेहतर है कि पहला स्टेप गलत ना लेना, फर्स्ट ईयर सही तरीके से पढ़ लेना। फर्स्ट ईयर सही पढ़ लोगे सेकेंड ईयर की बातें समझ आएंगी, जब सेकेंड ईयर की बातें समझ आ गई तो इंशाल्लाह आप लोगों के एग्जाम भी अच्छे निकलेंगे, यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में भी आप लोगों को आसानी होगी, और फिर यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट 4-5 साल आप लोगों को आसानी होगी। तो जरा इन टिप्स को गौर कर लेना इन पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी सा है, लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। अच्छा, एक होती है रियल इक्वेशंस, बताता हूँ रियल और कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या है। दूसरा तो खैर बहुत ईजी सा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट वन सॉल्व कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें आयोटा आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, ठीक है। एक होती थी रियल इक्वेशन जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू फोर, या 2x + 3y + 4 जो भी आ रहा है, तो वो आपके पास रियल इक्वेशन होती थी, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते थे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, ये जितने आपके पास लिखे हुए सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस वाई आयोटा, 2 + 3 आयोटा, -4 + 7 आयोटा, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब अगेन वही है कि एक्स और वाई की आपको वैल्यू निकालनी है। अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो फॉर्मूला इस्तेमाल करो यहाँ पे और इनको मल्टीप्लाई करो, या मैनुअली भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैनुअल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फॉर्मूला यूज ना करना पड़े। तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई आयोटा, ये है 2 + 3 आयोटा, और ये है -4 + 7 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, इस पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करो, एक्स को 2 से करो 2x, एक्स को 3 आयोटा से करो 3x आयोटा, वाई आयोटा को 2 से करो तो 2y आयोटा, और वाई आयोटा को 3 आयोटा से करो तो 3y आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे क्या है, -4 + 7 आयोटा। रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, ये जो आयोटा स्क्वायर है -1 होता है, तो ये हो जाएगा -3y। तो 2x और -3y इनको हम एक साथ कर लेते हैं,
प्लस इन दोनों टर्म से आयोटा कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा 3x, यहां से बचेगा 2y, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहां पे माइनस वन प्लस माइनस फोर प्लस सेवन आयोटा। अब अगर आप ऑब्जर्व करो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, और राइट हैंड साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट जिसका इमेजिनरी पार्ट। मैंने कल बताया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं इसका मतलब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल है और उनके इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल है। तो सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, देयरफॉर 2x माइनस 3y जो है ये इक्वल होगा यहाँ के रियल पार्ट से, इसको 1 बोल देते हैं, और यहाँ का जो इमेजिनरी पार्ट है 3x प्लस 2y ये इक्वल होगा यहाँ के इमेजिनरी पार्ट से, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो जस्ट रियल इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करने के तरीके आप लोगों ने मैट्रिक में सीखे होंगे। हाँ भाई किस तरह सॉल्व करें इसको, कोई आइडिया है किसी को? मेरी आवाज नहीं आ रही है मुझे सही, कोई और जरा बता दो सॉल्व अगर आते हैं। सबलिमेशन होगा सर, क्या होगा? एलिमिनेशन जी, एलिमिनेशन करेंगे किस तरीके से आपको क्या, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्स को कैंसिल करना है तो मैं क्या करूं यहाँ पे? एक्सेलेंट भाई, इक्वेशन वन को आप थ्री से मल्टीप्लाई करो ये सिक्स एक्स हो जाएगा, और इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई करो ये सिक्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तीनों चीजें जो है ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई थ्री से करो, इक्वेशन टू को टू से करो, और इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करो। तो अब जरा इक्वेशन नंबर वन लिखते हैं, इक्वेशन नंबर वन थ्री से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगी, सिक्स एक्स माइनस नाइन वाई माइनस ट्वेल्व। इक्वेशन नंबर टू टू से मल्टीप्लाई होने के बाद सिक्स एक्स फोर वाई फोर्टीन, और आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस नाइन माइनस फोर ये हो जाएगा माइनस थर्टीन, माइनस ट्वेल्व माइनस फोर्टीन ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सिक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल, थर्टीन को डिवाइड कर दो तो ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय थर्टीन टू होता है, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। अब आपको x निकालना है तो आप y को पुट कर दो वन में या टू में, तो पुट y इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन नंबर वन कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर वन में, इक्वेशन नंबर वन क्या है, टू एक्स माइनस थ्री वाई, वाई की जगह पे आप टू पुट कर दो माइनस फोर, तो हो जाएगा टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, ये हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू टू, और यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन। जब आपके पास एक्स भी आ जाए वन भी आ जाए तो आपकी इक्वेशन सॉल्व है, खत्म हो गया, ये दो आपके आंसर है। पेपर में अगर आप चाहो तो रिजल्ट लिख लो कि हेंस, रिजल्ट लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आंसर क्या आ रहा है, या डब्बा आपने बना दी वो भी काफी है, कि हेंस एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू टू। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यह है कि आपने एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल ली। आप चाहो तो इक्वेशन सेटिस्फाई भी करवा सकते हो, चेक भी कर सकते हो क्या सही आया नहीं आया, मतलब आप यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, यहां पे एक्स की जगह वन पुट करना ये टू हो जाएगा, और वाई की जगह पे टू पुट करना ये माइनस सिक्स हो जाएगा, तो टू माइनस सिक्स क्या होता है, माइनस फोर, सही आ रहा है। यहां पे एक्स की जगह वन पुट करना है थ्री हो जाएगा, यहां पे टू पुट करना ये सिक्स हो जाएगा, सॉरी फोर हो जाएगा, थ्री प्लस फोर सेवन। तो चाहो तो अपना आंसर भी चेक कर सकते हो कि आपने कैलकुलेशन सही किए या नहीं किए। क्वेश्चन नंबर नाइन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर टेन में बोला हुआ कि यार इन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ड्रॉ करना है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ ड्रॉ किस तरीके से करते हैं। मैं एक ही बनाता हूँ और जरा उस पर दो तीन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले हम कौन कौन से ले लेते हैं, हम एक ले लेते हैं पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर थ्री इस तरह ले लेते हैं। तो पहले हम स्केलिंग कर लेते हैं थोड़ा, और मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं टू की स्केलिंग कर रहा हूँ, मतलब टू फोर सिक्स, इसी तरह टू फोर सिक्स, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स। अच्छा जी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जाम्पल टू कॉमा माइनस थ्री है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ, ये टू है ये फोर है ये सिक्स है, इसी तरह टू फोर सिक्स, बाकी आप लोग समझ जाना है माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, और वाई के लिए भी कर लेना। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है टू कॉमा माइनस थ्री, टू कॉमा माइनस थ्री का मतलब एक्स वैल्यू टू है और वाई वैल्यू माइनस थ्री है, माइनस थ्री के दरमियान में होगा, माइनस टू और माइनस फोर के दरमियान में माइनस थ्री होगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, टू कॉमा माइनस थ्री, एक्स वैल्यू टू है वाई वैल्यू माइनस थ्री है,
और ये डायग्राम है ना, इसको आर्गन डायग्राम कहते हैं, कल भी बताया था। एक्सिस जो है वो यहाँ पे रियल एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस है वो यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस है। अच्छा, वाई एक्सिस की नॉर्मली जो लेवलिंग होनी चाहिए ना, वो इस तरह होनी चाहिए, 2 iota 4 iota 6 iota, इस तरह आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आप ड्रॉ कर रहे होते हैं ना। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक्सिस पे ना इमेजिनरी पार्ट ही ड्रॉ करें, बस इमेजिनरी पार्ट मतलब जो बी है ना 2 4, वो हम ड्रॉ करें। लेकिन अगर आप चाहो अपनी आसानी के लिए समझने के लिए, तो इस तरह भी लिख सकते हो 2 iota 4 iota 6 iota, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन पॉइंट में जाहिर सी बात है, आप रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखते हो तो इसलिए हमें जरूरत नहीं होती इससे रखने की। अच्छा, फिर है 3.4, तो एक्स वैल्यू 3 के यहाँ पे होगी और वाई वैल्यू 4 यहाँ पे है, तो इधर से इधर आओ और इधर से ऊपर जाओ तो तकरीबन यहाँ पे मिलेगा। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? 3.4। इसी तरह है -5.7, यहाँ पे दरमियान में -5 होगा और 7 के यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ हो जाएगा -5.7, मतलब x से -5 है और y से 7 है। ये जहां मसला हो तो पूछ लेना। फिर है -6.-2, ये है -6 और ये है -2, तो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, -6 -2, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ कर दिया हमने। फिर है 0.6, जब भी आपके किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट अगर 0 है ना, तो समझ जाना वो इमेजिनरी एक्सिस पर ड्रॉ हो रहा होगा, क्योंकि रियल वैल्यू उसकी 0 है ना। 0.6 मतलब रियल उसका 0 है, इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी 6 कहां पे होगा? यहां पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0.6। एक्स वैल्यू 0 है मतलब रियल पार्ट इसका 0 है, इमेजिनरी इसका पार्ट है, तो दैट्स वाई ये वाई एक्सिस पे ड्रॉ हो रहा है। और सेम पार्ट नंबर 6 में अगर आप देखो तो उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो जब इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगा, -5.0 के यहाँ पे होगा, -5.0। तो इस तरीके से आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करोगे। और आखिरी सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप वेक्टर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे वेक्टर की लेंथ होती है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस उसका। तो वो इन्होंने बोला हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एज अ वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उन वेक्टर की लेंथ निकालो, सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। तो मैं एक सवाल करवा देता हूँ, बाकी आप लोग को ट्राई कर लेना। जैसे कौन सा करवाऊँ? पार्ट वन तो बड़ा इजी है, वही मॉडुलस ही लेना है ना, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। पार्ट नंबर 2 भी इजी है, स्क्वायर रूट लेना, 7/3 का स्क्वायर + 8/3 का स्क्वायर। पार्ट नंबर 4 में भी यही काम करना है, पहले एलसीएम ब्रेक कर लेना, 1/2 और √3/2 iota, तो 1/2 का स्क्वायर + √3/2 का स्क्वायर। और पार्ट नंबर 3 में भी यही करना है आपको, लेकिन उसमें नीचे रूट आया हुआ है, तो चलो मैं करवा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये लिखा हुआ है 1+iota/√2। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो रैशनलाइज कर दो अगर आपका दिल चाह रहा है यहाँ पे, वरना जरूरत नहीं रैशनलाइज करने की, आप इसकी डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, मतलब लेंथ निकाल लो वेक्टर की। अभी पहले एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2 + 1/√2 iota, एलसीएम ब्रेक आपने कर लेना। इसको iota/√2 भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम आयोटा को थोड़ा सेपरेट करते हैं और उसके साथ जो है वो लिखा हुआ होता है। अब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इस वेक्टर की लेंथ निकाल लो, क्या हो जाएगी? 1/√2 का स्क्वायर, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा था रूट टू से कैंसिल वैंसिल करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो फाइनल आंसर आएगा ना आपका, उसमें देख लेना कि रूट टू को हटाना है नहीं हटाना, जो भी आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। 1/2 और 1/2 को जब ऐड करते हो तो 1 आता है, और 1 का रूट जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसको हमने एज अ वेक्टर के फॉर्म में लिखा था, उसकी लेंथ क्या है? 1 के बराबर है।